आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी टाइम के बाद एक वीडियो आ रहा है, बहुत अच्छा वीडियो है, बिल्कुल भी मत कीजिएगा, पूरे एंड तक देखिएगा। अगर आप फाइनल ईयर में हैं, अगर आप थर्ड ईयर में हैं, अगर आप कॉलेज पास आउट हो चुके हैं, फिर भी ये वीडियो को मिस मत कीजिए, क्योंकि इस बहुत इंफॉर्मेटिव एक वीडियो रहने वाली है आप लोग के लिए, बहुत एक अच्छी न्यूज़ रहने वाली है। तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो लोग फाइनल ईयर में या फिर कॉलेज पास आउट हो चुके हैं और जिनको जॉब नहीं लगा है, दे आर फाइंडिंग जॉब, तो उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, उन्हें भी हेल्प मिलेगी। तो जो हाल ही में क्या हुआ है कि कैपजीमनी के बारे में आपको पता होगा, कैपजीमनी एक बहुत बड़ी आईटी सेक्टर है, फ्रेंच की कंपनी है, बहुत बड़ी आईटी सेक्टर है, आईटी एमएनसी, हमारे इंडिया में भी उनका बहुत जगह बिजनेस यूनिट है। तो जैसे इंडिया में अगर हम टॉप एमएनसी की बात करते हैं तो जैसे TCS, इंफोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, कैपजीमनी, एसेंचर में क्या हुआ कि कैपजीमनी के जो सीईओ सर है अश्विन याड्डी सर, उन्होंने हाल ही में ये ऑफिशियल एक लेटर रिलीज़ किया है कि कैपजीमनी जो है इंडिया में 2022 में 60,000 स्टूडेंट्स या फिर फ्रेशर्स को ज्वाइन कराने वाली है। 60,000, आप समझ सकते हैं, 60,000। लास्ट ईयर कॉग्निजेंट 25,000 के आसपास लिया था, तो इस साल जैसा आप देख सकते होंगे मेरे पीछे, तो सीईओ जो है वो बोल चुके हैं कि 60,000 फ्रेशर्स को रिक्रूट करेगा कैपजीमनी इस साल। तो बहुत अच्छी एक न्यूज़ रहने वाली है उन जॉब सीकर्स के लिए जिन लोगों को जॉब की ज़रूरत है और जॉब अभी तक मिला नहीं है। तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, इसमें मैं बताऊँगा कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कैपजीमनी में ज्वाइन करने के लिए। अगर आप कोर सेक्टर से हैं, नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, फिर आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को, क्या टेस्ट का प्रोसेस रहने वाला है, तो ईच एंड एवरीथिंग मैं बताऊंगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो जैसे आपको पता होगा कि कैपजीमनी क्या करता है, कैपजीमनी बहुत ही, मतलब मेरे हिसाब से तो कैपजीमनी मुझे लगता है बेस्ट कंपनी है, क्योंकि वो कोई क्राइटेरिया नहीं देखता है 60% एंड ऑल, 50% उनका बेसिक क्राइटेरिया रहता है 10th और 12th में। और यही रीज़न है कि काफ़ी ज़्यादा फ्रेशर्स कैपजीमनी ज्वाइन करते हैं जिन लोगों का दूसरे कंपनीज़ में नहीं होता, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 10th एंड 12th क्राइटेरिया। तो कैपजीमनी मुझे लगता है बहुत अच्छा काम करता है, जो फ्रेशर्स लोग, जो लोग कॉग्निजेंट या फिर TCS, इंफोसिस, विप्रो, ये सब कंपनी में ज्वाइन नहीं कर पाते, उनको एक मौका देता है कंपनी में ज्वाइन करने का। और पैकेज भी बहुत अच्छा है कैपजीमनी का, एज़ कम्पेयर टू अदर आईटी सेक्टर्स देखें तो कैपजीमनी का पैकेज भी बहुत अच्छा है, राइट। तो कैपजीमनी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है वो रहता है 10th और 12th में 50%, और आपका जो ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं बीटेक या फिर बीई जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपका 60% रहना चाहिए। तो ये अधिकतर सब स्टूडेंट्स का रहता है। एक्चुअली क्या होता है पता है गाइस, कि काफ़ी बच्चे का 10th में बिलो 60 हो जाता है, तो काफ़ी बच्चे का 12th में बिलो 60 हो जाता है। तो इसी रीज़न से काफ़ी बच्चे अच्छे अच्छे आईटी सेक्टर्स में नहीं जा पाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि कैपजीमनी अच्छा आईटी सेक्टर का है, कैपजीमनी वन ऑफ द बेस्ट आईटी सेक्टर्स में आता है, बट कैपजीमनी का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आपको 10th और 12th में 60 चाहिए। जो मास हायरिंग इस साल होने वाला है 60,000 के लिए, तो देखिए इस पर अभी एज सच बहुत ज़्यादा कुछ नोटिफिकेशंस नहीं निकल गया है, बस जो सीईओ सर हैं वो आके ये अनाउंस किया कि 60,000 स्टूडेंट फ्रेशर्स को रिक्रूट करने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि 5G में कैपजीमनी वर्क कर रहा है, साथ ही साथ मेटावर्स जो अभी बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है उसमें भी कैपजीमनी वर्क कर रहा है। 5G का जो क्वांटम है, क्वांटम 5G, उसका एक इंडिया में उन्होंने बिजनेस यूनिट खड़ा किया। अभी अगर हाल ही में 25,000 ऑल ओवर एम्प्लॉय है वर्ल्ड में कैपजीमनी का, अगर ग्लोबली हम देखते हैं, साथ ही साथ इंडिया में अभी वो 5G क्वांटम के ऊपर काम कर रहा है, इसीलिए उसने एक यहाँ पे अपना एक बिजनेस यूनिट ओपन किया है, और उसी का रिक्वायरमेंट्स के लिए कैपजीमनी इतना बड़ा अनाउंसमेंट किया। तो ईच एंड एवरी डिटेल्स जब नोटिफिकेशन निकलेगा मैं उस वक्त आपको एक वीडियो बना के बताऊंगा, बट अभी के लिए मैं जस्ट आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करना चाहता था, एक गुड न्यूज़ है आप लोग के लिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे का ये प्रॉब्लम हो रहा है कि कॉग्निजेंट में उनका ऑफर लेटर नहीं आ रहा है, काफ़ी बच्चे का TCS में ऑफर लेटर नहीं आया, काफ़ी बच्चे का टाइम बहुत लग रहा है, कुछ सॉल्यूशन नहीं उनके पास, काफ़ी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाया कॉग्निजेंट, TCS, इंफोसिस ऐसे कंपनी में, तो वो लोग बच्चे बहुत निराश थे, राइट। तो इसलिए मैं सोचा कि उनको अगर मैं गुड न्यूज़ शेयर करता हूँ तो उनको एक होप मिलेगा। तो आप अभी तैयारी कीजिए। कैपजीमनी का जो प्रोसेस रहता है वो रहता है एप्टीट्यूड प्लस टेक्निकल आपका फर्स्ट राउंड रहेगा, उसके बाद आपका HR और टेक्निकल इंटरव्यू के साथ आप फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आपका। तो अभी मेरा आपसे ये सजेशन रहेगा गाइस कि आप एप्टीट्यूड पे फोकस कीजिए। अगर आप सेकेंड थर्ड ईयर में हैं, फाइनल ईयर में हैं, आप अगर पास आउट हो चुके हैं तो आप एप्टीट्यूड पे अपना फोकस कीजिए, साथ ही साथ अपना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे फोकस कीजिए। सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आप फोकस कीजिए, क्योंकि एज सच आपको पता होगा ये सब मास हायरिंग करते, तो एज सच बहुत बड़ा, मतलब बहुत डिफिकल्ट टेस्ट नहीं होता। अगर आप एप्टीट्यूड अच्छे से फोकस कीजिएगा और आपका बेसिक्स अगर पता है C++, जावा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो आप इजीली ये सब एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। बट क्या होता है कि काफ़ी बच्चे एप्टीट्यूड वगैरह पे फोकस नहीं करते और सिर्फ C++, जावा में चले जाते हैं, लीड कोड वगैरह करने लगते हैं, तो इससे क्या होता है कि उनका जो एप्टीट्यूड होता है उसमें वो निकाल नहीं पाते हैं। और कंपनी क्या देखती है,
कंपनी देखती है कि आपका रीजनिंग कितना अच्छा, आपका एप्टीट्यूड कितना, भले ही आप प्रोग्रामिंग में उतना अच्छा नहीं है, बट कंपनी आपको ट्रेन करके उस लेवल में बना देती है, राइट। तो मेरा सजेशन आपसे ये रहेगा कि अगर आप समझिए नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आपका उतना अच्छा कोडिंग वगैरह पे हाथ नहीं है, तो आप जस्ट यूट्यूब वगैरह का वीडियोज़ वगैरह देख के आप अपने आप को इन्हेंस कीजिए। किसी तरह कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पकड़िए, आप उसको इन्हेंस कीजिए, साथ ही साथ आप एप्टीट्यूड पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा और कैंप जी मनी हायरिंग करना भी स्टार्ट कर देगी। 2 से 3 महीने में मुझे लगता है एग्जाम वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 2022 के लिए है। तो 22 इन द सेंस अगर मैं देखूँ तो अभी जून जुलाई में ख़त्म हो जाने वाला है। 22 जो फ्रेशर्स होंगे वो 22 के जून जुलाई तक पास आउट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है 2 से 3 महीने में इसका जो रिक्रूटमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा और डायरेक्ट हायरिंग नहीं होगा, डायरेक्ट हायरिंग का कुछ जिक्र भी नहीं है। मुझे लगता है ऐसा जो उनका प्रोसेस रहता है एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल प्लस टेक्निकल एंड HR इंटरव्यू और फिर फाइनल सिलेक्शन, तो वही इसमें भी रहने वाला है। हालांकि जैसा भी नोटिफिकेशन आएगा मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो जैसा कि 2000 सब्सक्राइबर मेरा होने वाला है बहुत जल्द, तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा। और मैं एक अनाउंसमेंट देना चाहूँगा कि अब से डेली मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, जॉब अपडेट वीडियो, ताकि आप लोग को भी हेल्प मिले, क्योंकि काफ़ी बच्चे का ऐसा हो रहा है ना कि कॉग्निजेंट में 3 महीने 4 महीने से वेट करें बट उनके पास जॉब नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, 10 मंथ्स वेट किया था कॉग्निजेंट में फाइनल जॉइनिंग से पहले, तो उस वक्त मैं 2 जॉब भी स्विच कर लिया था, राइट, 2 जॉब भी मैं कर लिया था। तो काफ़ी बच्चे को मैं पार्ट टाइम जॉब, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स या फिर अच्छे अच्छे जॉब्स के भी जो वीडियोस होंगे, जो भी नोटिफिकेशंस रिलीज होगा, मैं उसका वीडियो बनाते रहूँगा और अपने चैनल पे अपलोड करते रहूँगा। और साथ तो वो वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा, जाके अप्लाई कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका जितना ज़्यादा आप अप्लाई कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे सिलेक्शन के। साथ ही साथ और एक अनाउंसमेंट है कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे हम लोग डिस्कशन वगैरह करते हैं IT सेक्टर रिलेटेड, जितनी भी डिफिकल्टीज रहती है या फिर जो बच्चे फेस करते रहते हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। वहाँ पर बच्चे अपने आप एक दूसरे के साथ डाउट सॉल्व करते हैं। तो चैनल को भी, वो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मेरा डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके चेक कीजिएगा। और बहुत अच्छा न्यूज़ था आप लोग के लिए, तो मोटिवेट हो जाइए। 60,000 में आपको बस एक सेट चाहिए, तो आप मन लगा के तैयारी कीजिए, इजीली आपको चांस मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि 2020, 2021, 2022 के बैचेस एलिजिबल रहेंगे। तो अगर जो 2020 में पास आउट हुए हैं, जो 2021 में पास आउट हुए हैं, जो 2022 में पास आउट होने वाले हैं, तो वो लोग तो बिल्कुल मतलब एकदम रेडी हो जाइए, स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन अच्छे से मन लगा के, और जल्द से जल्द सिलेक्शन ले लीजिए और अपना करियर स्टार्ट कर लीजिए। टिल देन इस वीडियो को यहीं पे करते समाप्त, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, जॉब अपडेट वीडियो के साथ। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं बहुत जल्द। गुड लक, बाय।